पटना में पहली बार वोट करने के बाद नीतीश कुमार ने मीडिया से बातचीत की। मीडिया से बातचीत में नीतीश कुमार ने पीएम नरेंद्र मोदी सहित बिहार के राजनीतिक हालातों पर भी चर्चा किया। महागठबंधन के टूट के साथ साथ प्रशांत किशोर पर भी नीतीश कुमार पहली बार जम के बोले। पहली बार वो पटना में वोट भी किए, राजभवन स्थित मध्य विद्यालय में वो वोट किए। वोटिंग के बाद जब मीडिया ने सवाल किए तो तमाम सवालों के जवाब भी दिए। पीएम नरेंद्र मोदी के जो केदारनाथ यात्रा है और जो वो शिव रूप धारण किए हुए, इन तमाम मुद्दों पे मुख्यमंत्री ने अपनी बातें रखी। साथ ही साथ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की किताब के बारे में भी वो तमाम बातें रखी और कहा कि किस परिस्थिति में कौन किताब लिखता है, कौन फोन पे बात करता है, यह सब बातें जग जाहिर है, कई वीडियो क्लिप बाहर आ चुके हैं। नीतीश कुमार यही नहीं रुके, महागठबंधन टूटने के बाद जो बने राजनीतिक हालात पे भी चर्चा करते हुए कहा कि जिस तरीके से मैंने कहा कि पब्लिक डोमेन में अपनी बात रखी है, उन लोगों ने नहीं रखा, जो सहयोगी थे कांग्रेस उन्हें भी मैंने कहा लेकिन वो भी नहीं रखवा पाए, लिहाजा कर महागठबंधन टूटा और बिहार के हित में एक नए गठबंधन की शुरुआत हुई। नीतीश कुमार ने कहा कि उनका मैनिफेस्टो यानी पार्टी का घोषणा पत्र इस चुनाव में जारी नहीं होगा, उन्हें जरूरत नहीं है क्योंकि उनका मुद्दा विकास है, जो काम वो कर रहे हैं उसी काम के बदौलत वो वोट मांग रहे थे और इसी बदौलत वो चुनाव में भी गए थे। तो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि बिहार के तमाम सियासी हालातों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से जम के चुनाव के बाद मीडिया के सामने अपनी बातें रखी और वहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके ऊपर जमकर हमलावर भी रहे, तो वहीं केंद्र में मोदी सरकार के वापसी की भी के प्रति काफ़ी आश्वस्त दिखे। नीतीश कुमार ने कहा कि जीत पक्की है, लिहाजा वो विक्ट्री के साइन भी दिखाएं और मुस्कुराते हुए वोट करके अपने बेटे निशांत के साथ निकल गए। सहयोगी आकाश के साथ गणेश सम्राट, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।